स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम जानेंगे एक ब्लॉग और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। दोस्तों ब्लॉगिंग की इस सीरीज उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी, और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी 650 के अराउंड वीडियोज चैनल में है विद लेटेस्ट कॉन्टेंट। और हम इस साल आपके लिए न्यू वीडियोज लगभग 30-35 नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, ताकि आप इन डेप्थ डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो, बिकॉज आप कुछ भी मिस ना करो और टाइम पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों ब्लॉग और जो वेबसाइट है वो दोनों देखने में सेम ही लगती हैं। दोनों में डोमेन बुक होता है, होस्टिंग बुक होता है, टैब्स बनते हैं, डिज़ाइनिंग होती है, और दोनों ही एक तरीके से सिमिलर शो होती हैं। बट फिर भी बहुत मेजर डिफरेंस है एक ब्लॉग में एक वेबसाइट में, जो आज भी 2021 में लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तीन मेजर ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल क्लैरिटी ला देंगे एक वेबसाइट और एक ब्लॉग के बीच। और दोस्तों मेजरली क्या है कि कंटेंट दोनों में ही होता है, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे ब्लॉग हो, बट जो कंटेंट पब्लिश करने का तरीका होता है वही उनके बीच का एक डिफरेंस होता है। तो जानते हैं तीन वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको डिफरेंस बताएंगी। तो दोस्तों पहला है कंटेंट अपडेशन फ्रीक्वेंसी। कंटेंट अपडेशन फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है दोस्तों, अगर एक ब्लॉग है तो उस ब्लॉग में इंडस्ट्री के हिसाब से, ब्लॉगर के हिसाब से, उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से उसमें कंटेंट अपडेट करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, और वो महीने में 2-4 बार भी करा जा सकता है, वो हफ्ते में 2-3 बार करा जा सकता है, या वो दिन में 2-3 बार भी करा जा सकता है। वो डिपेंड करता है वो ब्लॉग किस टाइप का है, रिक्वायरमेंट क्या है, और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करा जा रहा है। तो दोस्तों मगर जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट में जनरली जो कंटेंट होता है जैसे कि कंपनी के बारे में, उसके सर्विसेज के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में, या अदर टीम, गैलरी और बहुत सारा कंटेंट, तो जनरली वेबसाइट में जो कंटेंट है वो मोर और लेस सेम रहता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। वो एक इंफॉर्मेशन होती है कंपनी या उस इंडस्ट्री के बारे में। तो जो फ्रीक्वेंसी है कंटेंट अपडेशन की, कंटेंट डालने की, यही एक मेजर डिफरेंस है ब्लॉग और वेबसाइट के बारे में। सेकंड फैक्टर है एंगेजमेंट लेवल। दोस्तों वेबसाइट और ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है जब हम बात करते हैं ऑडियंस एंगेजमेंट का, या जो विजिटर्स विजिट कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा एंगेज करते हैं। क्योंकि दोस्तों वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होता है वो सेम ही होता है, ज़्यादातर वो चेंज होता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था। तो ज़्यादा कुछ लोगों के पास होता नहीं है एंगेज होने के लिए, बट एक ब्लॉग के अंदर क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कंटेंट अपडेट हो रहा है तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा एंगेज होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों जो काफ़ी मेजर पॉइंट्स हैं एक ब्लॉग में एंगेज होने के, जैसे कि आप अपने जो ऑडियंस है, जो ऑथर है उस ब्लॉग का या जो ब्लॉगर है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ब्लॉग के थ्रू। दूसरा दोस्तों लोग कमेंट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों लोग कंटेंट को, उस ब्लॉग के कंटेंट को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं अगर उनको पसंद आता है तो। सब्सक्राइबिंग टू RSS, इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी। अगर आपके ब्लॉग में दम है, क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी मार्केट क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एंड लास्ट दोस्तों के लोग आपके ब्लॉग में आपके ब्रांड के संग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो। थर्ड जो दोस्तों पॉइंट है वो है सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस। अब सर्च इंजन फ्रेंडलीनेस क्यों है? बिकॉज ब्लॉग्स वेबसाइट के मुकाबले ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं किसी भी सर्च इंजन में। तो दोस्तों उसके रीजंस हैं, तो पहला रीज़न है अपडेट्स।
क्योंकि एक ब्लॉग में, एक ब्लॉग की वेबसाइट में रेगुलर बेसिस पे कंटेंट अपडेट होता है जो कि हर सर्च इंजन को जिसकी ज़रूरत है। हर सर्च इंजन चाहता है कि क्वालिटी कंटेंट उनको रेगुलर बेसिस पे मिले ताकि उनका डाटाबेस ग्रो हो, वो उसको इंडेक्स करें, अपने यूजर्स तक उस कंटेंट को पहुँचाएँ। और ये जो सर्च इंजन लाइक गूगल है, याहू है, कोई भी सर्च इंजन है, उनको जितना ज़्यादा जो डाटा मिलता है अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, उनके यूजर्स के हिसाब से, वो ब्लॉग के थ्रू ही उनको प्रोवाइड हो पाता है एज कंपेयर टू वेबसाइट्स। सेकंड दोस्तों है यूजर क्वेरी रेलिवेंसी। तो जो यूजर्स हैं जो सर्च इंजन के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी कीवर्ड, कोई भी फ्रेज, जो भी उनको जानकारी चाहिए होती है, वो ब्लॉग्स के थ्रू उनको अवेलेबल होती है, बिकॉज चाहे वेबसाइट है चाहे ब्लॉग्स हैं। तो आजकल वेबसाइट्स में से भी आप देखोगे कि ब्लॉग का सेक्शन यूज़ होता है, क्योंकि उसके थ्रू न्यू पेजेस बनते हैं जिसमें क्यूरीज, लोगों की जो क्यूरीज हैं विजिटर्स की, ऑडियंस की, उसके हिसाब से पेजेस क्रिएट होते हैं, यूआरएल क्रिएट होते हैं, रेलिवेंट कंटेंट बनाया जाता है उसके ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर लिखा जाता है, उसके अंदर उनके फ्रेजेस को और कीवर्ड्स को इंक्लूड करा जाता है, और ये सब कुछ ब्लॉगिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। लिंक्स क्रिएट करना। दोस्तों अगर आपको क्वालिटी लिंक बिल्डिंग करनी है, चाहे इंटरनल लिंकिंग करनी है चाहे एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, अगर आपके ब्लॉग्स हैं तो उन ब्लॉग्स में जब आप कंटेंट अपडेट करते हो, कोई नया पेज क्रिएट करते हो, तो उसके थ्रू आप एक क्वालिटी लिंक क्रिएट करते हो जो कि आप अपनी वेबसाइट में आप इंटरनल लिंकिंग जिसके थ्रू कर सकते हो, या अगर आप SEO कर रहे हैं तो आप ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के अंदर भी उसके थ्रू लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। तो ब्लॉग्स के थ्रू लिंक बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना एक वेबसाइट और ब्लॉग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अलग बनाती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग मेरे से लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हैं, या हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।